था कि 2022 में फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे। 2022 आ रहा है, बजट भी आ रहा है और किसानों का आंदोलन भी हमने देखा है हाल में। तो 2022 महीने में सबकी नजर होना चाहिए कि 2022 में क्या फार्मर्स की इनकम डबल हुई या नहीं। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का प्रेशर सबसे अधिक है। इन्फ्लेशन लगभग 10-12 महीने से डबल डिजिट में, जो होलसेल WPI है वो होलसेल का डबल डिजिट में चल रहा है। बहुत बड़ी चैलेंज है। कोविड का टाइम है, अर्थव्यवस्था जैसा कि हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था प्री कोविड लेवल पे है, लेकिन जो बीच के जो 2 साल हैं वो माना जा रहा है कि 0 कैलेंडर ईयर की तरह हो जाएंगे। तो सरकार के सामने चुनौती है कि यूपी के इलेक्शन भी सामने है, यूपी के इलेक्शन सामने है, एक लोक लुभावन बजट की भी एक काफी कुछ दबाव रहेगा, और दूसरी तरफ ये भी दबाव रहेगा कि अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जाए। तो काफी कुछ बैलेंसिंग एक्ट सरकार को करने होंगे और यही देखना होगा कि किन कौन सी प्रायोरिटीज वित्त मंत्री के दिमाग में रहती हैं, सरकार के दिमाग में रहती हैं, और क्या हम देखेंगे, क्या कोई ऐतिहासिक बजट देखेंगे जिसमें MSP जैसी कोई घोषणा, गारंटी की स्कीम हो जाए, फार्मर्स की इनकम को डबल बनाने के लिए हो जाए। कोविड के जो बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे टूरिज्म है, हॉस्पिटलाइज और आपके जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी राहत की उम्मीद कर रही है, उसको कोविड के दौरान कोई राहत नहीं मिली है। तमाम सारी कोविड की चुनौतियां हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में है प्रोफेसर अमन अग्रवाल, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के, आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सोमदेव जी। प्रोफेसर सोमदेव जी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अर्थव्यवस्था विभाग के HOD रह चुके हैं और जाने माना चेहरा है राजस्थान में इकोनॉमिक की दुनिया में। हमारे साथ हैं सुभाष पांडे जी जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी, स्पेशल फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में। आप बजट की पूरी प्रक्रिया को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। बजट किस तरह के दबाव में बना जाते हैं, सरकार की प्रायोरिटी क्या रहते हैं, उसके बारे में काफी जानकारी आपको है। हमारे साथ हैं राजेश कोठारी जी जो कि फाइनेंस की दुनिया के राजस्थान के बड़े दिग्गज हैं। फिलहाल आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर एडवाइजर हैं, इसके पहले आप डायरेक्टर रह चुके हैं पोद्दार इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में, एक पाई के BC रह चुके हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले सुभाष जी हमें सर बताएं कि क्या लग रहा होगा वित्त मंत्री के अभी जो दिमाग में, कौन सी प्रायोरिटीज चल रही होंगी, चुनाव सामने हैं, दो इन किसानों का आंदोलन हम देख चुके हैं, कोविड का पीरियड है, चुनौती है सरकार के सामने इन्फ्लेशन की, कहां क्या दिमाग क्या चल रहा होगा दिमाग में? देखिए, जैसा कि आपने भी अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो हम वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच जाएंगे GDP का इस साल, तो अगले साल हमें उससे उबरना है। जो हमें गैप ईयर हो गया है उससे कैसे आगे उसको गति देना है अर्थव्यवस्था को, वो एक चैलेंज है। और अभी जैसा कि जो आंकड़े NSO ने जारी किए उससे ये भी पता लगता है कि अभी जो कुछ भी रिकवरी हो रही है, मतलब हम प्री कोविड लेवल तक जा पा रहे हैं, उसमें बड़ा हाथ है सरकारी खर्च का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें अभी भी प्री कोविड लेवल तक पहुंचना इस साल तक संभव नहीं होगा, वो अगले साल से संभव होगा। तो इस बजट से हमारी आशा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर जो फोकस है वो तो बना ही रहेगा, उसके साथ साथ कंजम्पशन को बूस्ट कैसे दिया जाए। जहां तक आपने बात कही फार्मर्स इनकम डबल करने का, और ये जो ये है, मतलब ये 2016 से बात हो रही है, तो उसमें फार्मर्स इनकम को देखते हुए जितनी बढ़ोतरी हुई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रोक्योरमेंट में, अभूतपूर्व हुई है पिछले 2-3 सालों में। प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा है, तो उसको उसके मद्देनजर ये मानना कि उसके साथ डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कितना, उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, वो भी एक बजट का मुद्दा रहेगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, और एक्सपोर्ट्स जो हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं इस साल, जो रिकवरी का एक स्ट्रांग महीना है, उनको कैसे दें, ये हमारे हिसाब से इसके मुद्दे रहेंगे। जी बिल्कुल। और सर जो डेफिसिट है, जो बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, मतलब माफ करिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, उस दिशा में सरकार क्या सोच रही होगी?
देखिए, इस समय डेफिसिट बढ़ने का ये तो एक तरह से सरकार ने मान ही लिया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जब प्राइवेट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो उसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सप्लीमेंट करेगा, और इसलिए अगर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का मिला जुला फिस्कल डेफिसिट 9-10% तक भी पहुंच रहा है, तो वो वही ड्राइव कर रहा है इस रिकवरी को। इस रिकवरी को बढ़ाने में सरकारी खर्च का योगदान है, जहां प्राइवेट खर्च कम हुआ तो उसके एवज में सरकारी खर्च जो है बढ़ा है, तो ये कंपेंसेट कर रहा है, और इस यही वक्त का तकाजा है, और इसलिए ये ज्यादा होते हुए भी, एक तो सबसे बड़ी समझदारी की बात ये कि ये फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ रहा है, ये ऐसी चीजों पर नहीं बढ़ रहा है जिससे कि हमेशा के लिए बजट पर एक दबाव बना रहे, वो प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो वो अर्थव्यवस्था को गति देंगे और उसकी एक ऐसी आधारभूत ढांचा तैयार करेंगे जिससे हमेशा के लिए सस्टेनेबल और क्लीन ग्रोथ हमें मिले, ना कि ऐसा बर्डन बन जाए जो सरकार वो आगे आने वाले, तो जैसे कि इन्फ्लेशन का कोई दबाव बना रहेगा, इन्फ्लेशन का दबाव बना नहीं रहेगा। नहीं 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 इन्फ्लेशन का दबाव नहीं बना रहे, अभी भी जो है वो इन्फ्लेशन का दबाव सप्लाई साइड डिसरप्शन की वजह से है। जैसे जैसे कोविड के रिकवरी के तहत अर्थव्यवस्था में सारी सुचारू रूप से चलने लगेंगी, तो ये सप्लाई साइड जो बॉटलनेक्स हैं ये दूर होंगे और इन्फ्लेशन अपने आप। ओके तो कंजम्पशन ओरिएंटेड, अब आपका कहना है कि कंजम्पशन ओरिएंटेड इन्फ्लेशन नहीं है। ओके नहीं, प्रोफेसर नहीं कोठारी, प्रोफेसर जी, कोठारी आपका क्या कहेंगे सर, बजट की प्रायोरिटी क्या होने वाली है वित्त मंत्री की? स्वतंत्र जी, जीडीपी ग्रोथ 9% है, 8% है, इन्फ्लेशन के रेट 10% क्रॉस कर गई है, WPI डबल डिजिट के अंदर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब उतना मायने नहीं रखता। जब आप भारत जैसे विशाल अर्थव्यवस्था को आप देखते हैं और जिन मुश्किल हालात से देश निकला है, पूरा विश्व निकला है, तो सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं महसूस करता हूँ, द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन द इकोनॉमी एंड द सिस्टम एंड मेकिंग अस टू बिलीव कि यस देर इज अ गवर्नमेंट डूइंग ऑल पॉसिबल स्टेप्स। ठीक है, गवर्नमेंट के स्टेप्स थे, रिजल्ट आपके सामने है, हम लोग प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए या किसी उसको भी क्रॉस कर गए, वो सारे डेटा सबके पास में अवेलेबल है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है सरकार की और सरकार के सामने कि जो एक मोमेंटम अभी बाय फोर्स है, हैविंग गिवन अ पैकेज ऑफ फ्यू लाख करोड़ टू द इंडस्ट्री, टू SME, टू ऑल द सेक्टर, उस मोमेंटम को रियल टाइम बेसिस के ऊपर बनाए रखना। सो फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की क्या है, लेट अस एक्सेलरेट द ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग द सेम टेम्पो एंड मोमेंटम इन द इकोनॉमी, दिस इज फर्स्ट। नंबर टू, हम अभी भी एक 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 सपना देख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें करनी है, वो शायद 2-3 साल की बात और है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बजट है दो डायमेंशन में काम करेगा, पहला ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन और सो, एंड सरकार की प्रायोरिटी जो मैं सोच पाता हूं बहुत क्लियर है, द ग्रोथ इज द प्रायोरिटी, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इन्फ्लेशन के, वो वरी नहीं करने वाली है, ना फिजिकल डेफिसिट के लिए सोचने वाली है, क्योंकि देखिए हालत ऐसी है कि अगर आप वेंटिलेटर पे हो तो आप उसे आईसीयू में आओगे, आईसीयू पे हो आप तो आईसीयू से वार्ड में आओगे, और वार्ड में आओगे 12 बार ठीक निकलोगे। तो हम वेंटिलेटर से आईसीयू में आ चुके और आईसीयू से वार्ड में आने वाले, और कुछ दिन बाद इकोनॉमी अपना दौड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो ताकत है इसका खुद का इतना बड़ा मार्केट होना। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार की प्रायोरिटी ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि एक मिनी लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, मिनी इन द सेंस पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड गोवा, गोवा एंड उत्तराखंड बहुत छोटे हैं, पर पंजाब और उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति को तय करते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से एंड एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से। सो इन दोनों राज्यों में जो जो कृषि आंदोलन चला था उसकी उसकी लो उसकी तपन सबसे ज्यादा रही है। सो मेरा मानना है कि सरकार ने जो वायदा करा है कि भाई हम MSP और उसके बारे में सरकार घोषणा करेगी, पर सवाल उठता है कि सरकार कैसे करेगी, रिसोर्सेस क्रंच है और सेक्टर की डिमांड है, और सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रूरल सेक्टर, खासकर रूरल सेक्टर में जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, जो छद्म रूप से बेरोजगारी है, उसको सरकार कैसे एड्रेस करेगी। सो मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि सरकार को निश्चित रूप से, जैसे अभी पांडे साहब कह रहे थे,
कि परचेजिंग पावर सरकार को वापस इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। वो डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए करती है, किसी लोग लिभावन तरीके से करती है, किसानों को देती है, किसको देती है, ताकि वो पैसा मार्केट में आए और जो जो सप्लाई प्लस है, टुडे वी आर नॉट डिमांड प्लस, वी आर सप्लाई प्लस इकोनॉमी, तो जो सप्लाई अवेलेबल है उसको को ऑफ टेक होगा तो आपका प्रोडक्शन साइकिल रिज्यूम होगा। अभी क्या है, बन गया माल, बन गया गोडाउन पड़ा हुआ है, उसका बायर आपको नहीं मिल रहा। बायर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है, कोविड और एनी अदर रीजंस अवेलेबल इन द मार्केट वर्ल्ड। सो सरकार आपको एक इंड्यूस करेगी, डू दिस सो दैट वी कैन स्टेप अप द कंजम्पशन वन। और किसी देश की ग्रोथ सर एग्रीकल्चर के बाद में ग्रोथ होती है इंडस्ट्रीज से। और आपको हम सबको ये बात मानना चाहिए कि धीरे धीरे भारत भी एक इंडस्ट्रियल हब बन के उभर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, कभी हम इंपोर्ट क्या करते थे, आज हम ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आ चुके हैं। सो मेरे हिसाब से ग्रोथ नंबर टू, जनरेशन ऑफ परचेजिंग पावर, इन्फ्यूज परचेजिंग पावर टू लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी रेजाइडिंग इन रूरल एरिया वेयर देर इज नो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, क्लियर। और तीसरी बात क्या है जो मैं खुद महसूस करता हूँ, yes, infuse the confidence in the economy. Yes, that there is a government, government means business to us. These are three priorities according to me. बिल्कुल प्रोफेसर सोमदेव जी, आप क्या देख रहे हैं सर, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा लग रही है, फार्मर की समस्याएं लग रही हैं, या इन्फ्लेशन आपको सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है, या फिर जैसा कि उठारी जी कह रहे हैं और सवाज जी कह रहे हैं ग्रोथ सबसे बड़ा एजेंडे पर रहेगा? सबसे बड़ी बात जो भी आप लोगों ने, दोनों साथियों ने कही है, वो है डिमांड का एक्सेलरेशन। डिमांड कैसे बढ़े ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जॉब का क्रिएशन कैसे, यानी कि टू केयर फॉर लाइव्स एंड लाइवलीहुड बोथ, हम जीवन की भी रक्षा करें और जो लाइवलीहुड है, जो रोजगार है, उसके लिए भी काम करें। पब्लिक हेल्थ केयर पर बहुत कुछ आने की उम्मीद मुझे लग रही है। एमएसएमई का हैंड होल्डिंग करना बहुत आवश्यक है। राजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एमएसएमई में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है, उस मोमेंटम को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब रहा सवाल ये कि ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। देखिए, अगर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं करते हैं अप टू ए टॉलरेंस लेवल, तो ग्रोथ का कोई मायने नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन विदाउट ग्रोथ है तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमको इन्फ्लेशन पर भी जोर देना पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है, मेरे ख्याल से पांडे साहब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आगे आने वाले टाइम जो पिछले दो साल से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड रेट बढ़ रही है, आज भी 6.63% है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट पर दबाव रहेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट का दबाव है, ये भारत सरकार के सामने बड़ा भारी चैलेंज है कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी। जो दो और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, खासतौर से जीएसटी को। आप देख रहे हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मसला है, जो सेक्शन 16(2)(c) का जो मसला है, वो पिछले 4.5 साल से पेंडिंग है, पर अभी भी उन्होंने ये कहा है कि 1 जनवरी 2022 से वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो उस जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड की है उसको तब मिलेगा जब उनके इनवॉइस की मैच मेकिंग होगी। इसका मतलब ये है कि जो सर्विस ले रहा है उसके बिना किसी गलती के जो सप्लायर है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब तक आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर को किसी तरह का रिलीफ नहीं देंगे, तब तक न आपकी परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, न आपका डिमांड का एक्सेलरेशन हो सकता है, न एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पिछले दो क्वार्टर का यदि रोजगार की स्थिति देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में, होटल्स में और मैन्युफैक्चरिंग में, बजाय एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के ड्रॉप हुई है, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि प्री कोविड लेवल पर आ जाए, क्योंकि प्री कोविड लेवल से पहले भी इकोनॉमी का डाउनस्लाइड शुरू हो चुका था। इसलिए यहां पर बात यह कहना था प्री कोविड लेवल तक आ जाएगा, नहीं, उससे भी कहीं आगे जाना है।
9% ग्रोथ हो, 8.5% ग्रोथ हो, अगर आप एक लोअर बेंचमार्क से शुरू करेंगे तो आपको ग्रोथ रेट ज्यादा लगेगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। डबल डिजिट में जो ग्रोथ रेट है वो होनी चाहिए, और जो सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूं इस पर फोकस अब की बार रहना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर का। जैसे आपने सुना होगा कि जीएसटी काउंसिल से यदि हम सबक लें तो अब इंटर स्टेट फिस्कल काउंसिल बनने की उम्मीद है। इस तरह की जो बातें हैं ये मैं समझता हूं होनी चाहिए। ग्रेटर फिस्कल प्रूडेंस विद मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन, ये दो चीजें आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी। फिलहाल चाहते हैं वक्त है ब्रेक का, ब्रेक वाला लौटेंगे तो बात करेंगे क्या सचमुच मोदी सरकार चुनाव हो या नहीं हो, इस तरह के हेडलाइन पब्लिक से दूर रहती है, धमाके की कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए, बजट रहेगा एक प्रूडेंस बजट रहेगा और उसमें जिस तरह की जो है ना सामान एक आय व्यय का ब्यौरा रहेगा और सामान किस्म की टैक्सेशन को लेकर जो जानकारियां रहती हैं वो रहेंगी, इसमें बात करेंगे या फिर कुछ अलग से खास होने वाला है बजट में कोविड को देखते हुए क्या कुछ खास हो सकता है, कहीं मजा ही लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हर सदस्य यहाँ सुना रहा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल गया है अपना परिवार, नया जैसा मिल रहा हर बार। हेल्थ की टिप्स हो, चाहे आज के इस पेंडेमिक दौर में पॉजिटिव एनर्जी की संचार की बात हो, परिवार का परिशिष्ट जो आता है पत्रिका के साथ में, वो मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट राजस्थान पत्रिका फॉर दिस वंडरफुल एफर्ट, थैंक यू। परिवार मैगजीन द्वारा हमें जहां हेल्थ टिप्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, मनोरंजक कहानियां बच्चों के लिए, इन सब परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है कि जहां सब चीजों से बढ़कर संस्कार होता है, हर एक बात का कोई ना कोई आधार होता है, रिश्ते जहां आपस में मिलकर खिलखिलाते हैं, एक ऐसी ही जगह जिसका नाम परिवार होता है। परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह होती है, तो आज से आप भी पत्रिका के परिवार अंक का सदस्य बनिए। बुजुर्ग लोगों के बारे में या किस तरीके से वो नई तकनीक जो मैंने संस्करण अभी पढ़ा वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अपना कॉलम हम खुद भी बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो मुझे यह भी चीज बहुत अच्छी लगी कि हम सभी महिलाएं उसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू परिवार क्लब मैगजीन के माध्यम से हमें पत्रिका के द्वारा बहुत रोचक जानकारियां प्राप्त हो रही है। न्यूज़पेपर का वो सेगमेंट परिवार, वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज मुझे लगता है कि यह सिर्फ एंटरटेनिंग सेगमेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट भी है। वॉइस इन्फॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन, ये जो पेज है ये बेहद पसंद आता है, क्योंकि मैं इसमें कई चीजों को सीख पाता हूँ और कई जिंदगियों को देख पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। परिवार मुझे मेरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने का मौका देता है, बिकॉज परिवार की खासियत है उसमें सारे एज ग्रुप के लिए सब कुछ मटेरियल मिलता है। तो थैंक यू राजस्थान पत्रिका हमें परिवार प्रोवाइड करने का। ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ है रीड करने के लिए, इवन मेल्स के लिए। तो ये मैगजीन ऐसी है जहां आप सपरिवार बैठ के इसको रीड कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार, पढ़ते रहिए पत्रिका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, जो सब लोग देख रहे हैं वही आप देख रहे हैं या जैसा कि आपसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि कुछ अलग दिख रहे हैं? देखिए जी, ऐसा है, मेरे विचार में पहली बात तो ये एक कॉमन मैन का बजट रहेगा और दो कारण से रहेगा। एक तो वक्त की तकाजा है कि रिक्वायरमेंट है उसकी कि ये कॉमन मैन का बजट बने, बिकॉज राहत मिलनी कॉमन मैन को बहुत जरूरी है। दूसरा इसलिए भी रहेगा कि पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि जैसे अभी बताया
कोठारी जी ने दो मेजर स्टेट्स में हमारे इलेक्शंस ड्यू, तो उनको भी थोड़ा सा लुभावना करने के लिए बजट में कुछ ना कुछ जरूर रखा जाएगा। जो मेरे विचार में फोकस है, जहां तक जीडीपी ग्रोथ की बात है, हमारी जो प्रोजेक्शंस पिछले एक डेढ़ साल से आरबीआई के माध्यम से आ रही है और जो बाकी विश्व की एजेंसीज है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, आईएमएफ हो, उनकी भी जो प्रोजेक्शंस आ रही है पिछले साल की और आरबीआई की पिछले साल की, जो मतलब करंट ईयर हमारा चल रहा है, जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें पता चलेगा, वो काफी हद तक स्टेबल आई है और बहुत हद तक बिल्कुल ठीक तरीके से निकल के आ पाई है। उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिला है क्वार्टर टू क्वार्टर जब हम देखते हैं। तो इसलिए जो अगले साल की जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं कि 8.5 या 9.5% के बीच में 2022 के जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी वगैरह तो जनवरी से दिसंबर देखते हैं, हम लोग जो है अप्रैल से मार्च देखते हैं, एक क्वार्टर का पूरा फर्क आता है दोनों के बीच में, उसमें भी जो है 8.5 से 9.5% के बीच में लगाई जा रही है। तो मेरे विचार में ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोरोना से त्राही हो रहा है, लोगों के बजट चरमराए हुए हैं, लोगों के सेंटिमेंट चरमराए हुए हैं, अगर हिंदुस्तान 8.5-9.5% की ग्रोथ ले पाता है, मेरे विचार में इससे बढ़िया ग्रोथ अभी देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। तो इसलिए ग्रोथ की तरफ तो मुझे इतनी चिंता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा मोमेंटम पिछले 8-9 महीने में मिल गया है। जो मेरे विचार में सरकार का बजट के अंदर फोकस रहेगा दो तरफ से है, एक तो है कि जो जैसे वो चार्ट दिखाता है कि रुपया कहाँ खर्च करेगा, दूसरा कि एक रुपया वो कहाँ से आएगा, वेयर विल दी मनी कम फ्रॉम एंड वेयर विल दी मनी गो। मेरे विचार में जो उनकी पॉलिसी प्लान्स रहेंगे उसमें एक तो तवज्जो रहेगा कि जॉब क्रिएशन कैसे किया जाए, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को फोर्स करके किया जाए, उनको लुभावना दिया जाए, या फिर सरकार के पीपीपी मॉडल के थ्रू जो बड़े सारे जो प्रोजेक्ट चालू किए हैं या कुछ और प्रोजेक्ट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं उसके थ्रू किया जाए, या उस एरियाज में फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, जैसे पांडे जी भी कह रहे थे, जो फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाई जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स होते हैं, जहां पे आगे जाके लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी को फायदा होगा, उसके अंदर स्पेंडिंग की जाए। ठीक है जी, जैसे आजकल ऑटोमोबाइल्स में ईवी के अंदर काफी ज्यादा बूम आ रहा है। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उसमें भी एड्रेस कर रहे थे, वहां पे भी उन्होंने स्टार्टअप की बात करी। हेल्थ केयर को ऑलरेडी 1.5 साल में काफी बूस्ट मिला है और ज्यादा बूस्ट मेरे विचार में मिलने की जरूरत भी है, आवश्यकता भी है और मिलेगा भी इसके द्वारा। दूसरा हम देखेंगे कि एक डिफेंस को भी जरूर मिलेगा एक्सपेंडिचर, बिकॉज डिफेंस को हमने पहली बार डिफेंस एक्सपोर्ट्स की तरफ खोला है। अब बात आती है कि ये जो खर्चा करेंगे, चाहे वो फिस्कल स्पेंडिंग की तरफ से खर्चा हो या जॉब क्रिएशन प्रोजेक्ट्स में खर्चा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा हो, कहां से आएगा। 2-3 मैं चीजें बताना चाहूंगा जो साफ साफ निकल के आ रही है पिछले एक साल के कार्यकाल के अंदर। एक तो है एसेट मोनेटाइजेशन, जो सरकार की एक स्कीम उन्होंने चालू की है जिससे वो कोशिश करेंगे कि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो और उससे खर्चा हो। दूसरा, जो डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट कह के आप LIC का करें, चाहे और तरीके की कुछ जो नवरत्ना कंपनीज हैं उनके अंदर वो करें। तीसरा, जो इन एनी केस जो उनका GST टैक्स कलेक्शन है, भगवान की कृपा रही है कि वो 1.3 लाख करोड़ के करीब टच किया हुआ और पिछले 2-3 महीने से 1.3 लाख करोड़ है, तो वो एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ जो हो रहा है उनका, उसमें इतना घाटा नजर नहीं आ रहा है, जबकि जो उम्मीद की जा रही थी आज से 6 महीने पहले, उस उम्मीद से वो अच्छा बढ़ के जा रहा है। तो मेरे विचार में बजट में सरकार को स्कोप मिल रहा है। जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, मैं हमेशा कहता हूं हिंदुस्तान एक फेवरेट डेस्टिनेशन तो था ही, पर पिछले 1.5 साल में कोविड चालान के द्वारा के टाइम पे ही हमें देखने को मिला इससे बढ़िया डेस्टिनेशन शायद इन्वेस्टमेंट का लोगों को नहीं मिला। इसीलिए करीबन $6.5 बिलियन पर महीने के दर पे हर महीना हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें से करीबन $1.5 बिलियन तो री इन्वेस्टमेंट था, जो यहाँ की कंपनियां इन्वेस्ट की हुई उनका करीबन $5 बिलियन फ्रेश इन्वेस्टमेंट हर महीने आ रहा है।
जब कोरोना काल चल रहा था उस समय $5 से $6 बिलियन किसी भी देश में आना बहुत बड़े मायने रखता है, और ये दिखाता है कि जो सरकार की पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो रिफॉर्म ओरिएंटेड रही हो चाहे वो स्ट्रक्चरल रही हो, वो पॉलिसीज को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सराहाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने वाले उसको जान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे निवेश करें, लॉन्ग टर्म निवेश करें ताकि हमें पैसा वापस हो सके। सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले नहीं, छोटे वाले भी जो है पोर्टफोलियो वाले भी, उनका भी निवेश अगर हम देखें तो पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। तो ये भी दिखाता है कि जो हमारी मार्केट्स हैं उनकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, और उससे अल्टीमेटली आगे जाके जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट साइकिल भी बढ़ेगा, और मेरे विचार में एक ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, और सरकार को एक रोड मैप मिलता है कि हम इस तरीके से आगे जाके इन्वेस्टमेंट व्हीकल को यूज करके और प्रगति की तरफ बढ़ सकते हैं, जो एक हर सरकार चाहती है कि बाहर से पैसा आए और देश में मेरे निवेश हो। प्रोफेसर अमन, लेकिन आम आदमी जो जानना चाहता है कि उसका इनकम टैक्स का स्लैब बदलेगा या नहीं बदलेगा, या फिर फार्मर को उम्मीद है कि MSP उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आम आदमी को जैसे कॉमन मैन की आप डिमांड की बात करते हैं, रोजगार की उम्मीद है, जो तो क्या कॉमन मैन के लिए कुछ होगा या सब कुछ अलग अलग फोकस रहने वाला है क्या? नहीं, जैसे मैंने कहा पहली लाइन बोली, ये कॉमन मैन का बजट बनाया जाएगा। तो कॉमन मैन में क्या क्या कॉमन मैन के बजट में पहली चीज है रोजगार, जॉब क्रिएशन। मैंने ऐसे ही पहले ही कहा, चाहे वो मनरेगा का को एक्सपैंड करके बढ़ाया जाए, चाहे वो सरकारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करके उनका निर्देश दिया जाए और उसमें वो खाका भी देंगी क्या क्या चीज इम्प्लीमेंट हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कितना खर्चा हुआ कितना खर्चा नहीं हुआ, उसमें चाहे फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ानी पड़े सरकार को वो उसमें देखेंगे आप करेगी सरकार। तीसरी चीज है कि प्राइवेट सेक्टर, जो अभी कुछ ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई थी 2-3 दिन पहले, कल परसों, तो उसमें भी नजर आ रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर की वेल्थ बढ़ी है तो उसको भी हो सकता है कहा जाए कि आप इम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, नहीं तो फिर हमें हमें कर भी लगाना पड़ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बात करी, सरकार जो कॉमन मैन के लिए करना चाहती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है पर उसमें दोबारा री इन्फोर्स करके स्ट्रक्चरिंग करके दोबारा करना जरूरी है, और वो सरकार कोशिश करेगी किस तरीके से उस कॉन्फिडेंस को वापस बढ़ाया जाए। जहां तक MSP की बात है, MSP जो है ऑलरेडी सरकार दे रही है, उसको गारंटी नहीं करती है पर सरकार दे रही है, एक लीगल राइट नहीं है वो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उसको स्टैट्यूटरी पावर लीगल एक्ट नहीं दी हुई है, पर अदरवाइज MSP लागू किया जाता है, MSP कहीं विड्रॉ नहीं किया गया है। तो मेरे विचार में MSP को इसके अंदर ना इशू रेज किया जाएगा बजट के अंदर, ना उसको छेड़ा जाएगा, ना कुछ कहा जाएगा। बिल्कुल प्रोफेसर कोठारी, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के चलते कॉमन मैन का बजट होगा, लेकिन सवाल है कि कॉमन मैन के बजट में ऐसा क्या होगा? सबसे बड़ी उम्मीद जो बताई जा रही है कि 2022 में फार्मर की डबल इनकम का वादा सरकार पूरा करेगी, MSP की जो बार बार खबरें चल रही हैं, इसके अलावा अभी सरकार ने हाल में स्टार्टअप डे घोषित कर दिया 16 जनवरी को, तो ये सब चीजें दिमाग में चल रही है क्या सरकार की, कि ये सब जो है ना सिर्फ इसको लिप सर्विस करके जो है ना जो मुख्य एजेंडा है कि ओवरऑल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जोर रहेगा? मैं कहूं सरकार ने वायदा करा है और वायदा का क्या है, कर दिया नहीं निभा नहीं निभा, है ना। क्योंकि मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, सरकार कोई सी भी हो, हर सरकार का चाल चरित्र और चेहरा हर व्यक्ति को पता है आज की तारीख के अंदर। अगर सरकार में गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है और प्रो कमिटमेंट लोगों के प्रति, तो सरकार को आगे आना चाहिए कि भाई हमने ये आपसे वायदा किया था, हम इसको अचीव कर पाए, और जो अचीव नहीं कर पाए वो उसके सामने, यानी एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आना चाहिए, वो कोई सरकार आपको देती नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो पैसा किसका था सर? वो पैसा मेरा था, आपका था, टैक्स पेयर का पैसा था। क्या सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि जो पैसा खर्च हुआ है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार खुद ले और उसका कोई सोशल ऑडिट करके देखे कि हमने नरेगा के नाम पर 2 लाख करोड़ खर्च कर दिए, उसका आउटपुट क्या रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रही? क्योंकि नरेगा से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है कि इंडस्ट्रियल लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, लोगों को जब घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो आज फैक्ट्री में काम करने के लिए आदमी तैयार नहीं है। सो कहने का तात्पर्य है सर, देखिए सरकार की कंपल्शन क्या है,
अभी सारी बातें छोड़ दीजिए, जीडीपी छोड़ दीजिए, इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव मेरे को जीतना है। और सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है उसकी प्रायोरिटी कुर्सी है, उसकी प्रायोरिटी जीडीपी, मनी सर्कुलेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट कोई उसके लिए मायने रखता ही नहीं है। एक बार कुर्सी पर आ जाएंगे तब अपन ये बात फिर कर लेंगे। सो गिवन द चॉइस, गिवन द टाइम, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो महसूस करता हूँ कि सरकार को यूपी का इलेक्शन जीतना है जहां हमारे 85 लोकसभा सीट आती है। आप समझने की कोशिश करिए। अरे भैया सत्ता में फिर तो फार्मर का और बेरोजगारी दो मुद्दे सबसे ज्यादा रहेंगे फिर तो। नहीं नहीं देखिए सर, वो फार्मर भी उतना इशू मुझे टच नहीं करता जितने सरकार का वोट बैंक टच करता है मेरे को। और उस वोट बैंक में फार्मर के साथ साथ बहुत से लोग जिसको हम बोल सकते हैं अपरेस क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, या वो जो खेती और मजदूर है जिनमें जमीन नहीं है, वो भी सरकार का एक एजेंडा है कि उनको मैं अपने किटे में कैसे लेके आऊं। हमने किसानों का करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर पूरे हिंदुस्तान किसान नहीं है सर। कितनी आबादी सरकार करने क्या वाली है सर वो बताइए ना। सरकार बिल्कुल घोषणा करेगी, हो सकता है यूरिया की प्राइस कम कर दे, हो सकता है सरकार एक दो चार जैसे सोयल टेस्टिंग लैब जैसे लोग भाव ने बात कही थी, अब कितने टेस्टिंग हुआ, कितने रिपोर्ट आई है मंगा के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि घोषणा करना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है, और जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही लेना अलग बात है। सो मेरे हिसाब से अगर आप कहें बजट में क्या होने वाला है, निश्चित रूप से सर घोषणाओं की बरसात होने वाली है सर। बिल्कुल सुभाष जी आप सरकार में सर लंबे समय तक रहे हैं, कई बजट आपने देखे होंगे, सरकार के दिमाग में अभी क्या कुछ इस तरह का भी कुछ चल रहा होगा कि आपको आउटकम, एक बजट आउटकम जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं, जैसे कोठारी जी बोल रहे हैं कि हमने क्या किया उसकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको कहा वो दे, या फिर सिर्फ चुनाव जीतना दिमाग में चल रहा होगा जैसे कि कोठारी जी कह रहे हैं, या फिर कुछ और भी इनके दिमाग में है, क्या आपको लगता है कि क्या प्रायोरिटी हो रही होगी अभी? नहीं, मेरी सोच इसमें थोड़ी सी अलग है कि जहां तक बजट में घोषणाओं का क्रियान्वयन का सवाल है, तो हर बजट में, हर बजट के साथ जो वित्त मंत्री ने पहले घोषणाएं की हैं उस पर क्या एक्शन लिया गया है उसकी एक अलग रिपोर्ट हर बजट के साथ पेश होती है। अगर आप उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि किस किस अनाउंसमेंट पर क्या एक्शन लिया गया है। तो ये तो हुई बात रिपोर्ट टू द नेशन की कि हमने क्या अनाउंस किया था और उस पर क्या एक्शन हुआ। दूसरी चीज जो कोठारी जी ने कही उस पर मैं ये सहमत हूं कि अभी बहुत समय से स्पेशली पैंडेमिक के समय ऐसा हो गया कि केवल सालाना बजट ही एक माध्यम नहीं रह गया जिसके माध्यम से सरकार पॉलिसी अनाउंसमेंट करे। इनफैक्ट हमने पैंडेमिक के दौरान पिछले 18 महीनों में कई छोटे छोटे मिनी बजट देखे right. तो इसलिए उन मिनी बजट्स की वजह से जब पहले कुछ छोटे धमाके हो जाते हैं तो फिर बड़े धमाके के लिए एम्यूनिशन नहीं बचता। तो हाँ, तो दूसरी चीज मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि बजट से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मेरी राय से जो कम से कम मेरा मानना है कि जो बजट्स में वो रहे हैं उसमें पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स के स्कोप कम रहा है, और जो कुछ अगर कहा भी गया है तो वो उसमें ऐसे फाइन प्रिंट्स रहते हैं जिससे कि जो है वो बजट का संतुलन ना बिगड़े पाए। तो एक बैलेंस रहता है, प्रोफेशनल बैलेंस और पॉपुलिज्म का स्कोप कम रहता है और धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जैसे आपने बात की कि अभी और क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। तो जो मिल रहा है, मिलता है उसको नहीं बताते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसी पर ध्यान देते हैं। अब जैसे बजट पर हम कह रहे हैं कि सरकार खर्च करे, अब अगर पिछले 18 महीने से आप 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति आप दे रहे हैं और कितने 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को, तो ये भी तो इसका भी तो खर्चा है ना। इसके लिए सरकार ने किसी किसान को MSP दिया है, उसको लाया गया है ट्रक से ढोकर, उसको स्टोर किया गया है ना, तो वो खर्चा भी जो, और वो कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है, वो 2 लाख करोड़ का बताया फूड सब्सिडी का जो है, तो वो भी उसका ही हिस्सा है। अगर क्रेडिट सबवेंशन, क्रेडिट को बूस्ट करने के लिए दिया गया, या प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया गया, तो मेरा तो ये मानना है कि इसको अगर छोड़ दें, ये जो बेसिक लेवल सपोर्ट दिया है फ्री राशन,
उसके अलावा मैं नहीं समझता कि सरकार ने कोई भी ऐसा कदम उठाया है जो जिसको कि कोट अनकोट पॉपुलिस्ट कहा जा सके और ये कहा जा सके कि वो फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करने में यकीन रखते हैं। तो फेयर चीज ये है कि जो टेक्निकली फिजिबल है कि पीएम किसान इज अ बेटर मॉडल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ बेटर मॉडल देन एमएसपी टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, क्योंकि एमएसपी की जो अभी तक पहले का होता था कि केवल 6% किसानों को उसका लाभ मिलता था और खास तौर से पंजाब हरियाणा आंध्र वगैरह में कुछ खास उसमें कंसंट्रेटेड है, और जो बढ़कर इस समय पिछले 2 सालों में 6% के बजाय 10-12% हो गया है, तो ये बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी अभी 85% छोटे किसान है, उनके पास इतना सरप्लस नहीं है मार्केटेबल। तो अगर एमएसपी रूट से फार्मिंग को करेंगे तो प्रोफेशनली इकोनॉमिकली दैट इज नॉट द राइट पॉलिसी चॉइस। तो पीएम किसान में यह है कि एकरेज के हिसाब से आपको कल को डब्ल्यूटीओ से को भी में भी जाना है और आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी प्रमोट करना है, तो ये सारे डायमेंशन ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ही नैरो पॉलिटिकल व्यू लेके फार्म बिल को अपोज करना मेरी टेक्निकली मेरी समझ में वो नहीं उचित। प्रोफेसर सोमदेव जी, सुभाष भी बोल रहे हैं कि कोई धमाकेदार बजट की उम्मीद ना करें क्योंकि सरकार के पास बारूद ही नहीं है, कोई सरकार पहले ही इतने धमाके कर चुके छोटे मोटे कि अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, तो धमाकेदार बजट की उम्मीद ना करें, फिर तो जो है ना वही सरकार का वही खाता आ जाएगा, कहां से पैसा आया कहां से गया और मॉनेटरी पॉलिसी और जो है ना छोटे बहुत टैक्सेशन के जो है ना प्रावधान आ जाएंगे क्योंकि टैक्स भी ज्यादा बचा नहीं, जीएसटी में चला गया सब कुछ, तो फिर बजट की चर्चा आप करना बंद कर देना चाहिए जो हर साल हम लोग बजट के पहले। नहीं नहीं देखिए मैं आपको कुछ एक आंकड़े बताना चाहता हूं कि जो जहां अंतर आता है वो किसने बजट केवल साइज ऑफ एक्सपेंडिचर से ही नहीं आता है, उसका प्रोफाइल क्या है, खर्चा कितना आ रहे और कहां कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप पिछले 3 दशकों के आंकड़े उठा के देखें, मैं 91 से बात कर रहा हूं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का कुल मिला के जो संयुक्त खर्चा है पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो करीब करीब 27-28% अब जीडीपी है, एक सेकुलर ट्रेंड है, तो जो जीडीपी में ग्रोथ हो रही है उसी प्रोपोर्शन में पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। हम यूरोपियन एडवांस्ड इकोनॉमी की तरह 40-50% जीडीपी के पब्लिक एक्सपेंडिचर में नहीं पहुंच रहे, उसके लिए आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एडिशनल टैक्सेशन वो सब करना होगा, तो ये अभी वो जीएसटी का ट्रू पोटेंशियल अभी भी नहीं आया है, बहुत सारी इकोनॉमी अभी ऐसी है जो कि अभी इसको इवेड कर रही है, तो इसमें एम्यूनिशन आएगा जैसे जैसे टैक्स रिसोर्सेज आएंगे, जीएसटी का रेशनलाइजेशन होगा, ये सारी चीजें अपने एजेंडे में है, रेट्स का भी रेशनलाइजेशन होगा, बेस का भी होगा, पूरी वैल्यू एडिशन चेन को कवर करना है, ये सब एजेंडा में होगा, तो उससे ये सारी जब बातें करते हैं तो ये टेक्निकल होती हैं, ये हेडलाइन नहीं बनाती हैं इनकम टैक्स और उसे कंजम्पशन बूस्ट और पॉपुलिज्म, लेकिन यही फाउंडेशन है। और मैं समझता हूँ सरकार ने जो कुछ भी अभी पिछले कुछ वर्षों में किए हैं वो समझदारी से इस फाउंडेशन को मजबूत करने की तरफ किए हैं, न कि हेडलाइन पॉपुलिज्म की तरफ, ये मेरा मानना है। देव जी, क्या आपको लगता है धमाकेदार बजट की उम्मीद ना करें, हम लोग जो है ना जो गाजा बाजा लेके शुरू हो जाते हैं मीडिया वाले, वो सब करना बंद कर दें क्या? देखिए स्वतंत्र कुमार जी, बजट तो बजट ही रहेगा और रहा सवाल ये कि मैं सुभाष जी पांडे की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमको अननेसेसरी में रेटोरिक नहीं होना चाहिए, हम अननेसेसरी में ये ना करें कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मोदी सरकार क्या करती है, मोदी सरकार आपको लगता है कि रोटेट नहीं हो रही है? मैं उसी पर आता हूं। हमने अभी एक मेमोरेंडम
भेजा फाइनेंस मिनिस्टर को, हमने उसमें ये रिक्वेस्ट किया है उनको, हमने मतलब किसने मैंने और मेरे 4-5 साथियों ने मिलकर के, हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप पर्सनल इनकम टैक्स की जगह एक्सपेंडिचर टैक्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। एक तो सजेशन हमने उनको ये दिया, वो करेंगे नहीं करेंगे, जैसा कि पांडे साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे किंतु परंतु फाइन प्रिंट्स वगैरह होती हैं, वो होती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें, हम सब ये बात कर रहे हैं प्री कोविड, ये कोविड, लेकिन कोविड के दौरान कंपनीज की जो वेल्थ है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप 50 एनएससी की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, यदि उनका वेल्थ देखें तो वो सबसे ज्यादा। और एक और मैं बात आपको बताऊं, मेरे पास एक ओबिकस का डेटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको हम ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे कहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है। अगर ये आप पांडे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर अभी हिंदुस्तान में अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं होता तो शायद जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी उतना नहीं होता। हालांकि मेरे पास एक बहुत छोटा सा डेटा है कि अगर आप देखें तो जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जो कि 2008 में 36% था, वो 2020 में आकर सिर्फ 26% रह गया। ये डेटा मेरा नहीं है, ये ओबिकस का डेटा है जो आरबीआई का। मेरा यहां पर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सरकार को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सप्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको कि हम कैपिटल कैपेक्स बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। अब वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों में करना पड़ेगा जहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की रफ्तार अभी स्लो है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इनमें जो जो कम है एम्प्लॉयमेंट, वहां पर इनको कैपेक्स करना। और इसीलिए अपन इतनी देर से सब लोग बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना पड़ेगा। अब वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर किसान के काम आए, चाहे मिडिल क्लास के काम आए, चाहे लोअर क्लास के लिए काम आए। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, 85 करोड़ आदमियों को आप 5 किलो अनाज या दाल या चावल जो भी आप दे रहे हैं, ये कोई कम बड़ा खर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ते हुए डेटा को और बढ़ाने में इससे मदद मिल रही, और इससे जो मदद मिल रही है ये अल्टीमेटली इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी को जनरेट नहीं कर रहा है। मेरे दिमाग में इन्फ्लेशन का मसला आगे आने वाले टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई की जो टॉलरेंस लिमिट है, उस टॉलरेंस लिमिट तक भी हम पहुंच चुके हैं और अब ये कहना शुरू कर दिया है। आपको ध्यान होगा कि आरबीआई ने जब पिछली रिपोर्ट दी थी तब उसने कहा था कि वी आर इन द हिस्टोरिकल टेक्निकल रिसेशन, ये अपने मैं आई एम कोटिंग हिस्टोरिकल टेक्निकल रिसेशन। लेकिन दिक्कत ये सारी ये है, और एक बात मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पॉपुलिज्म का अब कोई स्कोप नहीं। जितनी ज्यादा पॉपुलिस्ट पॉलिसीज आप बनाएंगे उतना ही ये बूमरैंग करेगा, उतनी ही तकलीफ इकोनॉमी में होने वाली है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आपका हिस्सा जाए या मेरा हिस्सा जाए। एक और आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे देश में एक फिस्कल प्रूडेंस की बड़ी भारी जरूरत है। एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर वो फिस्कल प्रूडेंस अगर ठीक से नहीं रही तो फिर ये होगा कि जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो ऐसे रास्ते जाएगा जिस रास्ते उसको नहीं जाना चाहिए और जिससे कोई एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन नहीं होगा। मैं सीएमआई के डेटा में नहीं जाना चाहता हूँ, एनएसएसओ के डेटा में नहीं जाना चाहता हूँ। ये सबको मालूम है कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है, एम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आप चाहे किसी भी स्टेट में चले जाइए, चाहे ई श्रम वाला पोर्टल बना दीजिए, चाहे कुछ भी पोर्टल बना दीजिए, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की हालत है वो
बदतर है वो बहुत अच्छी नहीं। प्रभु सोमदेव जी, आपने दो बातें जो कहीं उनको थोड़ा सा समझा सके हमारे दर्शकों के लिए, एक तो आपने कहा कि फिस्कल प्रूडेंस, दूसरा आपने कहा कि जो बजट है उसका कैपेक्स का खर्चा बढ़ेगा, तो उसमें क्या मतलब कैपेक्स में कहाँ खर्चा बढ़ेगा कुछ थोड़ा सा समझा सके, कैपेक्स में कहाँ आपको सबसे अधिक फोकस दिखने वाला है, बढ़ेगा नहीं बढ़ना चाहिए, और फिस्कल प्रूडेंस में आपको क्या आपके मतलब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बताता हूँ। सबसे पहले कैपेक्स को ही लेता हूँ, कैपेक्स में इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर, एमएसएमई पर खर्च करना पड़ेगा। इन पर जो खर्चा करेंगे उससे एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होगा, इनकम का जनरेशन होगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा तो ये। और जो दूसरी बात जो आपने क्या पूछी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा, फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस का मतलब ये है सर कि हमको एक्सपेंडिचर की जो क्वालिटी है उसको सुधारना पड़ेगा। जो अभी अभी बात पांडे जी ने कहा कि एक्सपेंडिचर की जो क्वालिटी है उसको सुधारना पड़ेगा। अमन जी कह रहे हैं कि आम आदमी का बजट होगा, आम आदमी का बजट का मतलब ये कि जो ना सर, सर आम आदमी के बजट का मतलब पॉपुलिज्म कहाँ है, मैं नहीं समझ रहा। अमन जी से पूछ रहा हूँ जी, अमन जी से पूछ रहा हूँ मैं, नहीं अमन जी से आप बेशक पूछिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि आम आदमी के बजट होने का मतलब पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। आम आदमी का बजट का मतलब क्या नेशनल बजट भी हो सकता है। सर मीडिया के रूप में, मीडिया मैन के रूप में मुझे तो लगता है आम आदमी का बजट मतलब पॉपुलिस्ट बजट, मुझे तो समझ में आता है। ऐसे कैसे होगा जी अमन जी? देखिए जी, ऐसा है कोई भी बजट हो, चाहे वो कंपनी का बजट हो, चाहे वो घर का बजट हो, चाहे वो सरकार का बजट, अगर गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स नहीं होगा तो बजट नहीं चलेगा। दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है किसी भी बजट के लिए। तो इसलिए ये कहना कि कोई भी चीज नहीं होगी वो गलत रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी देखना होता है। अब उसमें जैसे कहा जा रहा था कि वो ये है कि जो फ्री बीज ऐसे कुछ सरकारें हमने देखा बांटती हैं कि हम फ्री बिजली कर देंगे, फ्री ट्रेन टिकट कर देंगे, फ्री ये कर देंगे, वो चीज इस सरकार ने पहले भी नहीं करी है और आगे भी मेरे विचार में कहीं से करके नहीं आए। पर कैसे लुभावना बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया मनरेगा के अंदर एलोकेशन बढ़ा दिए गए, दूसरा जो है आपका कुछ स्टेट्स को कुछ बेनिफिट्स दे दिए गए कि कुछ वहां पे नए प्रोजेक्ट्स लगाए गए, तो उस तरीके से जो एक तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी हो गई और थोड़ा सा लुभावना भी कर दिया गया। इसी तरीके से टैक्स रिलीफ दे दिए जाते हैं तो उसके अंदर भी जो है लुभावना दिया जाता है, टैक्स ब्रेक्स दे दिए जाते हैं। पहले सरकारों ने टैक्स ब्रेक्स दिए हैं, काफी सारी सरकारों ने, कि इस जोन में टैक्स ब्रेक दे दिया, इस जोन में टैक्स ब्रेक दे दिया, तो इस तरीके से लुभावना किया जाता है। ये सारे डेवलपमेंटल फैक्टर्स में लुभावना है। और जहां तक कॉमन मैन का, जैसे मैंने पहले कहा कि रोजगार के ऊपर तवज्जो देते हुए बजट की पॉलिसी फ्रेमवर्क रहेगी, क्योंकि इस समय अगर ग्रोथ को इम्पेटस देना है, ग्रोथ को एक उछाल देना है, एक ग्रोथ तो दिखाई दे रही है और ग्रोथ प्रोजेक्ट भी हो रही है, वहां पे तो कोई दो चर्या है नहीं किसी के मन में कि ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। अब उस ग्रोथ को इम्पेटस देने की बात है, उसको एक स्ट्रेंथ देने की बात है। वो स्ट्रेंथ आएगी तभी जब एक आम आदमी खड़ा होगा अपने पैरों पे मेहनत से, वो कहेगा हाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ। वो तभी होगा जब रोजगार की अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई देंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो सरकार के माध्यम से आए। बिल्कुल अमन जी, आपसे एक सवाल और पूछेंगे, मैं चाहूंगा कि खत्म होने से पहले जरूर हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि एक बार 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 चर्चा चल रही है कि बजट की वो इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है, बजट की अब वो काफी कुछ बीच में घोषणा कर देती है, तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में, अमेरिका में या यूरोप में या फिर दूसरे हिस्सों में बजट किस तरह का होता है, क्योंकि आपने काफी घूमा भी है, तो वहां बजट के इस तरह के जिस तरह के सरकार, हमारे यहाँ एक सालाना फंक्शन जैसा हो जाता है, सालाना बड़ा आयोजन जैसा हो जाता है, वहां भी इस तरह के होते हैं नहीं होते हैं? आपके पास आपसे पूछेंगे, मैं चाहूंगा कोठारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके पहले, उसके बाद हम आपके पास फिर से आएंगे। कोठारी जी, स्वतंत्र जी, हमारी चर्चा का जो विषय वस्तु है आने वाला बजट है और उससे संभावना या आशंका पे हम बात करनी है, ठीक है ना। हमें ये बात नहीं करनी कि किसान मेहनती है, ईमानदार है वो या वो एसेट्रा एसेट्रा,
हम अपनी चर्चा से भटक गए सर, ठीक है ना। हमने पूरी चर्चा को केंद्रित कर दिया सिर्फ किसान। अरे किसान हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसान हिंदुस्तान नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस बजट में वही पॉपुलिस्ट मेजर होंगे और होने भी चाहिए। कौन कौन से होंगे? मैं बता रहा हूं आपको, मैं वो बता रहा हूं सर, सुनिए मेरी बात। क्योंकि जिस बजट की हम लोग बात कहते हैं कि भाई नहीं होने चाहिए, वो समाज का एलीट है जिसमें आप और मैं शामिल हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं सर। मैं एलीट नहीं हूं सर, मैं एलीट नहीं हूं। मतलब मीडिया हाउसेस एलीट मान लीजिए, आप नहीं हो, ये आपका बड़ापन है। खैर, जो एलीट लोग हैं उसके लिए हम कहते हैं इसको मत दो, उसको जरूरत नहीं है सर। पर बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी इस देश के अंदर, अगर आप देखें 56% जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको आप कहते हैं तुम्हें सब्सिडी नहीं देंगे, तुमको हम ये फ्री नहीं देंगे। अरे जिंदा कैसे रहेगा वो आदमी आपका, आपको देना पड़ेगा। इस देश में उनका भी उतना अधिकार है जितना टॉप 10 लोगों का अधिकार है। और मैं और फिर आपसे कह रहा हूं, इस बजट में धमाके होंगे सर, बिल्कुल धमाके होंगे। और ये धमाके, ये सुनो, ये पूछ रहा हूं तब से, मैं तो अब बोल रहा हूं, धमाके किस तरह के होंगे? ये राफेल वाले धमाके नहीं होंगे, ये लैंड माइंस वाले धमाके होंगे। यानी सरकार बिल्कुल क्लियर है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी। कोरोना का भूत खत्म होने वाला है, कोरोना का रोना, वो तो बता दीजिए क्या करेगी। आप तो कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो बताइए क्या करेगी सरकार। निश्चित रूप से डायरेक्ट बेनिफिट कैश का जो है उसकी मात्रा बढ़ाएगी। हो सकता है वो बिजली को फ्री ना करे, पर बिजली को आपको जो कंज्यूमर है, लास्ट इन द क्यू कंज्यूमर है, उसको सब्सिडाइज बिल्कुल सरकार करेगी, क्योंकि उसको जिंदा रखना सरकार के जरूरी है। सरकार तो मतलब जो लास्ट इन द क्यू है। और तीसरी बात जो मैं फिर आपसे कह रहा हूं सर, वो हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में सरकार फिर एक सब्सिडी के ऊपर आगे बढ़ेगी। सब्सिडी कम होने वाली नहीं है, 70-75 साल की इस देश की उम्र हो गई है, सब्सिडी के सहारे हम जिए हैं। सब्सिडी सर, मेरी से पीढ़ी सब्सिडी में जी है, सब्सिडी बढ़ी हुई है और शायद सब्सिडी में खिसक जाएगी। जी अमन जी, अमन जी संक्षेप में जी जो बताएंगे संक्षेप में सर, दुनिया के हिस्सों में बजट किस तरह का है, थोड़ा सा समझा सके दर्शकों को हमारे। देखिए जी, ऐसा है, बजट बहुत ही जरूरी होता है। बजट एक मार्गदर्शन करता है। हमारे चेयरमैन प्रोफेसर जेडी अग्रवाल ने जो बजट टाइमिंग के ऊपर आर्टिकल लिखा था, जिसको यूज करके यशवंत सिन्हा ने बजट शाम से सुबह 12 बजे के करीब शिफ्ट किया, वो इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, 2001 की बात है शायद, जहां तक मेरे को याद है। और वो जो बजट आया उसके बाद से बजट के अंदर तब तक जो है वो ब्रिटिश लेगेसी के हिसाब से चलता रहा। सिर्फ हिंदुस्तान में बजट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, विश्व में सारे देशों में जो बजट है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये एक मार्गदर्शिता बताता है। एक मार्गदर्शिता एक आम आदमी को तो नहीं, पर जो हिंदुस्तान का निवेशकर है उसको बताता है, जो बाहर का निवेशकर है उसको बताता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, मर्जर एक्विजिशंस करते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको एक मार्गदर्शिता देता है कि हिंदुस्तान आगे किस तरफ चल रहा है, उसका रास्ता दिखाता है ये। और जितने भी बजट होते हैं हमारे, उनमें कुछ घोषणाएं अगले 2-3-4-5 साल के लिए भी होती हैं, तो इसलिए वो डायरेक्शन जो है सिर्फ एक साल की नहीं, एक साल तो इम्प्लीमेंटेशन ईयर होता है, पर अगले 5 साल का रास्ता दिखाने की बात होती है। क्योंकि कोई भी इंसान जो निवेश लगाएगा, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, आप हो या मैं हो, कोई भी हो जो निवेश लगाएगा, वो चाहेगा कि मेरे निवेश का रिटर्न जाके जो 2-3-4 साल के बाद आना है वो आए। अगर मैं आज निवेश लगाऊंगा, कल को वो चीज बंद हो जाए, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो वो जो मार्गदर्शिता है वो सिर्फ एक बजट करता है डॉक्यूमेंट, इसीलिए चाहे वो एक कंपनी का बजट हो, चाहे वो एक देश का बजट हो, चाहे वो राज्य का बजट हो, ये सारे बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो भी लोग किसी भी अर्थव्यवस्था में मायने रखते हैं, वो उसको बड़े ध्यान से विचलन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, और फिर उसका निष्कर्ष निकाल के आगे बढ़ने की मार्गदर्शिता निकालते हैं अपने लिए। लेकिन दूसरे देशों में हेडलाइन इस तरह से नहीं बनती जिस तरह के हमारे यहाँ मीडिया हाइप बनता है, ऐसा मुझे, मेरा ऐसा परसेप्शन है, मेरा परसेप्शन है। बहुत अच्छी बात आपने कही। नहीं, पहली बात तो ऐसा है कि उन दिनों तो जरूर 1-2 दिन के लिए रहती है, पर हाइप इसलिए नहीं बनती है। पहली चीज, हिंदुस्तान में की जो पॉपुलेशन साइज है वो आपको पता है, वो किसी देश का पॉपुलेशन साइज। सेकेंडली, हिंदुस्तान में जो मीडिया है वो एक सबसे बड़ी पावर है और बहुत इंडिपेंडेंट है। विश्व के अंदर जितनी भी आप देश देख लें, चाहे डेमोक्रेसी जैसे अमेरिका जैसा देश को देख लें, वहां पे बड़े रिस्ट्रिक्टेड मीडिया है जो चलते हैं।
जो पावर हाउसेस बने हुए हैं उन्हीं के निर्द गिर्द सारा मीडिया चलता है। फ्री फ्लोट मीडिया जिस तरीके से हिंदुस्तान में शहर शहर में गली गली में है, उस तरीके से विश्व में किसी देश में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे चर्चा ज्यादा होती है और लोग क्योंकि ज्यादा है तो उसमें विचारकता भी ज्यादा होती है और इस वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। पर अदरवाइज सब देशों में उस दौरान जब बजट का टाइम आता है तो उसके ऊपर चर्चा होती है। जो ऑटोक्रेटिक देश है, जो रिस्ट्रिक्टेड देश है, वहां पे ज्यादा चर्चा होती नहीं है। जो बाकी देश है उनके अपने देशों के बीच में चर्चा होती है, वहां पे इनके ऊपर न्यूज़पेपर में भी और हेडलाइंस में भी आता है। हिंदुस्तान में कभी क्यों इतना ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, बिकॉज हमारे को एक किसी इकोनॉमी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम भी किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होते तो हम उसी इकोनॉमी का बजट अच्छे से देखते। काफी सारे देश हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे आज की डेट में डिपेंडेंट है क्योंकि जो ट्रेड लिंक्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट लिंक्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं हिंदुस्तान के साथ कि वो लिंक हो गए हैं। तो उनको हिंदुस्तान का बजट देखना बहुत जरूरी है, हमें उनका बजट देखना इतना जरूरी नहीं मिलता। जी सौंदर जी कुछ कहने जा रहे थे आप संक्षेप में? बिल्कुल संक्षेप में। नहीं नहीं स्वतंत्र जी, बजट तो सावे की तरह है मीडिया हाउस के लिए सर। नहीं तो आप तीन चार दिन क्या करेंगे आप? कब तक आप वो पॉलिटिकल लीडर्स को छापते रहेंगे? बजट के कारण कुछ आपका भी दर्शन चेंज होता है और ये सावे आते हैं ना जैसे शादी ब्याह वाले, वैसे ये मुकम्मल क्या कहना चाहिए फेस्टिवल मानता हूँ उसको मैं सर। चलिए यानी इस दौरान इतने इकोनॉमिक्स पता होते हैं गली कूचे के अंदर, आपको इमेजिन नहीं करना पड़ता है कि कितने कितने लोग आ गए हैं। प्लीज कंटिन्यू। अच्छी बात है कि कम से कम कभी तो सोचते हैं देश की सेहत के बारे में भी। आप हमेशा सोचिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ संचय में, बिल्कुल हाँ मैं थोड़ा सा प्रोफेसर अग्रवाल साहब की बात से ना इत्तफाकी रखता हूँ। हिंदुस्तान में एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, उसका रीजन है। आपने कहा कि भाई हिंदुस्तान में मिक्स्ड पॉपुलेशन है, 90% सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। चूंकि इनकम का जो ब्रैकेट है, अगर आप उस परसेंटाइल से यदि आप चलें, उस क्विंटाइल से आप चलें, तो हिंदुस्तान में एक्सपेंडिचर टैक्स लगाना बहुत आसान है, बशर्ते कि एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में सोचा जाए। ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी अगर आप शुरू में इसी पर डिबेट रखते तो मैं आपको बताता कि क्या क्या आर्गुमेंट्स हमने उसमें लिए हैं। बिल्कुल, ये पत्रिका में मुझे याद है कि एक पूरा एक फ्रंट पेज स्टोरी छपी थी कि सरकार को इनकम टैक्स खत्म करके एक्सपेंडिचर स्लैश लगाना चाहिए, बड़ा डिबेट है सर। उसका सिंपल कारण ये है कि 6.32 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। एक बात, पर्सनल इनकम टैक्स से जो मिलता है वो कितना मिलता है? ज्यादातर पैसा अब की बार तो आप ये देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले पर्सनल इनकम टैक्स से ज्यादा पैसा मिला। यदि आप 2020-21 का डेटा अगर उठाकर देखते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। अब आप समय की सीमा है इसलिए इतना बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण जानकारियां इस बार हमें मिली है तो फिलहाल एक्सपेंडिचर टैक्स अगर लगेगा तो हिंदुस्तान की हालत ज्यादा अच्छी होगी एंड दैट विल हेल्प जीएसटी ऑल्सो, वो जीएसटी कॉर्पोरेट करेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करना चाहिए कि सरकार धमाके करे ना करे, लेकिन फुस पटाखे ना होना चाहिए जिससे जो है ना जो भी करे कंक्रीट करे। ये फुस पटाखे मीडिया वाले बनाते हैं, सरकार नहीं बनाती है। जी हम आपके आपके मार्गदर्शन में मुझे उम्मीद करना चाहिए सरकार जो है ना जो भी बनाए अच्छा पटाखा बनाए और जो भी करे ठीक करे और उसको कार्यान्वयन करे। जैसा कि सुभाष जी कह रहे हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है उसमें चर्चा करेंगे, रिपोर्ट कितनी सार्थक होती है कितनी सार्थक नहीं होती है। फिस्कल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में प्रस्तुत होता है, ये बताया जाता है भाई हमले ये क्यों हुआ कैसे हुआ वो तो है, पर अब दिक्कत ये है उसमें भी अगर रेटोरिक्स है तो है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए पत्रकारिता। नमस्कार, थैंक यू।